नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं केमिकल कंपनी की, जो कि अभी बहुत अपने लो पर है और 52 के लो पर होने पर अभी आगे चलकर ये बहुत कुछ फ़ायदा दे सकती है। इसमें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और ये केमिकल बनाती है। केमिकल घरेलू भी और धागे के लिए भी, और इसके वैज्ञानिकों का भी वही कार्यकर्ता, और ये कंपनी का वो साइड है बिजनेस। और अभी चलते हैं, इसके प्रोडक्ट सैनिटाइजर बनाती है, और ये मोदी से बातचीत करते हुए कंपनी के वर्क कर्मचारी, और आगे चलकर ये ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकती है। निफ्टी 50,20,794 अपने पुराने हाई को बीट करते हुए 108 पॉइंट बढ़ा हुआ है। सेंसेक अपने भी पुराने हाई को बीट कर चुका है, अभी ये नए हाई की तरफ बढ़ रहा है 3306 पॉइंट। निफ्टी बैंक 551 पॉइंट आगे, निफ्टी मिड कैप 12,516 पॉइंट आगे, आईटी सेक्टर निफ्टी आईटी 237 पॉइंट डाउन, निफ्टी 18,547 99 पॉइंट अप, और आज एडवांस लाइन में 1452 और डिक्स लाइन में 604। आज मार्केट में आप हाई वॉल्यूम और टॉप लूजर और टॉप रिडक्शन 1791 141 8% बढ़ा। अडानी ग्रीन में भी तूफान, हाँ अभी आपको और बता देते हैं कि अमेरिका की सरकार ने भी अडानी ग्रीन को, अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। भारत सरकार की क्लीन चिट मिलने के बाद में अमेरिका का भी अभी न्यूज़ आई थी, जो कि उसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। अडानी में आज ज़बरदस्त वो चल रहा है तूफान, और FII ने DII ने हमारा कितना ख़रीदा, और ये निफ्टी अब गैप अप डाउन हुआ था, फिर बाद में अपना नया हाई बनाते हुए फिर अभी बाद में डाउन आया, अभी धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ते हुए। और FII ने कितना क्या ख़रीदा वो भी देखते हैं। FII ने कल 2073 करोड़ की ख़रीदारी की, DII ने 4797 की। FII और DII जब तक हमारी मार्केट में खरीदेंगे इतने हमको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही चलेगा। FII ने 4 दिसंबर को 2073 की खरीदारी की थी, और DII ने 4797 की खरीदारी की थी, और 2 वीक में 15,240 की FII ने खरीदारी की, और DII ने 10,463 की, 1 वीक में 11,882 करोड़ की, इसमें 7,825 करोड़ की। और जब से FII और DII दोनों खरीदने लगे हैं तो हमारा मार्केट आप भागते हुए जा रहा है। 23 नवंबर से इन्होंने खरीदारी शुरू करी थी, अब क्योंकि इनको गारंटी का अनुभव हो चुका है कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी इतना मार्केट गिरेगा भी नहीं, और FII DII ऐसे ही खरीदते रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होता रहेगा, और आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और ये मंथली डाटा है, नवंबर महीने में दिसंबर में 3,662 करोड़ की खरीद चुकी है FII, और 6,245 की खरीदी है नवंबर में 3875 की, और DII ने ज़्यादा ख़रीदा है 14,253 करोड़ का। अक्टूबर में बिक्री की है FII ने, अक्टूबर में 30,837 की बिक्री की, और सितंबर में बिक्री की 26,692 की, और अगस्त में बिक्री की। तीनों महीने लगातार बिक्री करने के बाद में अभी FII खरीद रहे हैं दबा के, और DII ने तीनों महीने में खरीदारी की 14,253 करोड़ की, 28,554 की, और सितंबर में 20,312 की, और अगस्त में 25,017 की खरीदारी की। और उससे देख लो, जब भी DII ने खरीदारी की है तो हमारा मार्केट अप गया है। दो तीन महीना बिक्री करते हैं और फिर 4-5 महीना खरीदारी करते हैं, तो इससे मार्केट बढ़ने की संभावना है। और DII ऐसे ही कंटिन्यू खरीदते रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और मार्केट भी स्थिरता रहेगा। और एक और बात कि BSE की ग्रोथ 4 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है, जो कि भारत की GDP के बराबर है। दोस्तों, मार्केट कैप 68.4 करोड़ की, करंट प्राइस
66.08 रुपये का है, लो एक आई 101 का है और लो 59.50 पैसे का है, स्टॉक पी आई 25 का है, बुक वैल्यू 28.7 की है, डिविडेंड नहीं देती, आर ओ सी 12.9, आर ओ ई 10.2 की है, फेस वैल्यू 10 की है और आगे चल के स्प्लिट भी हो सकता है। और इसका अभी करंट प्राइस 68 रुपये है और ये अपने हाई पर हाई की तरफ जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है आप कोई भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। और ये 18 जनवरी 2023 में 79 पर गया था और 68 पर है अभी 59 पर, और आज ही इसमें ख़रीदारी 38 के की हुई थी, 85% की ख़रीदारी चल रही है और हमने तो ये अभी कोई ज़्यादा नहीं भागा है, 65 रुपये पर ख़रीदा है, अभी इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार है और जिस दिन ब्रेकआउट हो गया उस दिन आप कोई भी इसको नहीं पकड़ पाओगे और पछताओगे। कंपनी हैज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू गुड क्वार्टर, कंपनी का क्वार्टर अच्छा रिजल्ट निकला था क्वार्टर में, कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट इज नॉट पेड डिविडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी अगर डिविडेंट भी नहीं दे रही तो प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट के साथ हमारी ग्रोथ बढ़ रही है और कंपनी का इसमें अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं। ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट का सेल 78 करोड़ की थी, 21 में कोरोना में 56 करोड़ की रह गई, मार्च में 22 में 98 की हो गई, फिर मार्च में 23 की हुई और 85 की, अब 111 करोड़ की हो गई है और प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और इसमें 20 में 3 करोड़ था और 21 में 3 करोड़, 21 मार्च 22 में 3 करोड़, अभी 4 करोड़ और प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 9 और 3 साल में 5, और कंपनी के पास रिजर्व 19 करोड़ का है, कर्जा 10 करोड़ का है और एसिड 86 करोड़ का है और कंपनी प्रमोटरों ने अपनी पिछले साल की तुलना में अभी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पिछले साल 61.02 थी और मार्च 2023 में 61.63 किया, अभी वही चल रही है, पब्लिक इसमें 37.38 है और पहले 38.99 थी, 40-39 के लगभग में अब पब्लिक की होल्डिंग घटी है। और पब्लिक इसमें मैन जो बड़े बड़े आदमी हैं वे कौन कौन हैं, ललित कल्याण पटेल और इन्फ्रेटिक सिविल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये इक्विटी और इसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी ले रखी है और जो बढ़ा रखी है, और इसके साथ साथ इसमें कंपनी का नाम है यस केमिकल लिमिटेड, और आपको पता ही है कि केमिकल सेक्टर में बहुत कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ चल नहीं रहा है, जिस दिन चलेगा उस दिन सभी देखते रह जाएंगे। और कंपनी का बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट 2006 में हुई थी, यस केमिक्स लिमिटेड डोज ट्रेडिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट ऑफ प्रोफाइल में टेक्सटाइल डेज रीएक्टिवेट कोल्ड डेज रीएक्टिवेट एची डेज इज विनिल्स रीएक्टिवेट फाइबर डेज और केमिकल लाइनमेंट केमिकल पेनोल मेल मेन क्रिस्टल मेन मेल इत्यादि, एक्सपोर्ट यूएसए स्पेन तुर्की ब्राज़ील थाईलैंड कोरिया मैक्सो जापान इंडोनेशिया, ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है। अंडर यूजर इंडस्ट्री फार्मा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स सेक्टर टेक्सटाइल वुड प्लेन इत्यादि, रिन्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट 93%, अदर इनकम 7%, इनकम इनक्रेज ऑफ बोरिंग लिमिटेड, कंपनी प्लांट टू इंश्योरेंस ऑफ बोरिंग इन लिमिट अप टू 100 करोड़, कंपनी अपने प्रोडक्ट की लिमिट बढ़ाने जा रही है 100 करोड़ की, ऑफ रिलेटेड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कंपनी मेटेरियलर रिलेटेड पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इंट्रेड और प्रोसीजर बाय एंट्री ऑफ कंपनी रिलेटेड पार्ट यस केमिकल लिमिटेड।
ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है जो कि सेल में बढ़ोतरी है 31% की और प्रॉफिट में 32% की डाउन है, जो कि इसका ईपीएस भी घटा है। प्रॉफिट सितंबर में पिछले 22 में 1.90 था, जो जून में घटकर 1.35 हुआ, अभी 1.51, क्योंकि केमिकल सेक्टर चल नहीं रहा है, इसलिए इनका प्रॉफिट जिस दिन चलेगा, ये माइक्रो कैप कंपनी है और जिस दिन चलेगा आप पकड़ नहीं पाओगे और आपके पछताते रह जाओगे। और इसी के साथ आगे चलते हैं।